Oye, para mí, los canales de me han hecho van a presentar a la natura. Ay, yo tengo todo el mundo. ਮਾਂਜੀ ਬਾਬੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਬਣਦੀ ਬੈਠੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ
ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈਓ ਤਰਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸਿੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਟੀਕੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਟੀਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਸ ਇੱਕ ਪਸੋਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜੀ ਸਰ 130 ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੁਬਹਾ ਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ 3 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਸਟਾਰਟ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 130 ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਿਖਾਇਆ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ
इसमें यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स आए हुए हैं वो अपने काम में बहुत ज्यादा महारत रखते हैं, और इसके अलावा यहाँ पे जीपी काम हो रहा है, जो भी मर्ज जिस किस्म का भी मर्ज आ रहा है उसकी हम उनको फ्री ऑफ मेडिसिन दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे टेस्ट का इंतजाम है, यहाँ पे हम हेपेटाइटिस बी सी ब्लड ग्रुप एच बी, इसके अलावा जो दूसरे टेस्ट हैं वो भी हम उनको सहूलत दे रहे हैं, और इसके अलावा इनको मेडिसिन फ्री दे रहे हैं। हम किसी भी किस्म का मर्ज है उसका इलाज कितने बजे तक चलेगा ये? अभी इंशाल्लाह 6 बजे तक हमारा प्लान है। कम से कम आपके सामने वैसे तो बहुत ज्यादा मरीज है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कम से कम 250 मरीज अभी तक हम जो है चेक कर सकते हैं, मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। इतना ज्यादा रिलीफ हो रहे हैं, कम से कम 500 का टेस्ट है, गरीब बंदा करवा नहीं सकता। इनको जो मेडिसिन मिल रही है ये देखिए आपके सामने पड़ी हुई है, एक से एक बेहतरीन मेडिसिन है हमारे पास, और हमने बहुत ज्यादा लोगों ने भी यहाँ पे आके इससे इस्तेफादा किया है, और इंशाल्लाह मजीद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम मजीद इसी तरह के जो है ना अपने अंसारी के हवाले से एक मसाला की एक
और ये भी एक साल एक रोज दी दुध नाल नहीं सर पता कैंची नहीं पता लगती इन सारी हाँ जो मेडिकल फ्री कैंप लगाया मैंने देखा यहाँ पे बहुत लोगों को फायदा हो रहा है और फ्री दवाइयाँ दी जा रही हैं ये एक अच्छा इकदाम है और दूसरी तंजीमों को भी ऐसे इकदाम उठाने चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद हो सके और मैं ये समझता हूँ यहाँ पे बहुत कास्टली जो है ना वो मेडिकल के अंदर जो है ना वो टेस्ट भी हो रहे हैं और बहुत अच्छा इकदाम है ये अंसारी इतिहाद में मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ امین صاحب دا لو نا ذرا امین صاحب دا لو امین صاحب دا اشواق بھائی تھوڑا بھی انٹرویو ہے صاحب ہاں تھوڑا بھی انٹرویو ہے نہیں 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 جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہم نے کیمپ لگایا ہے یہ فری میڈیکل کیمپ ہے یہ الحمد للہ انصاری اتحاد ویلفیئر کے پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم ہر مہینے لگاتے ہیں یہ ہمارا ہم نے چوتھا میڈیکل کیمپ ہے ڈسکا میں اس سے پہلے ہم تین میڈیکل کیمپ سیالکوٹ بھی کر چکے ہیں پسرور بھی کر چکے ہیں اس میں تمام مریضوں کو ہمارے پاس جنرل سرجن یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں فزیو تھراپسٹ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں نیورو سرجن بیٹھے ہوئے ہیں دوسرا آرتھوپیڈک بیٹھے ہوئے ہیں جنرل فزیو پانچ جنرل سر ڈاکٹر یہاں پہ ہم ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے سب کو فری میڈیسن شوگر ہیپیٹائٹس بی سی کی ویکسینیشن ان کا ٹیسٹ وغیرہ الحمد للہ سارا دے رہے ہیں ہم پوری ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور ابھی تک الحمد للہ ہم نے بارش کی وجہ سے تھوڑا سا ہمارا پروگرام لیٹ ہو گیا ہے پھر بھی الحمد للہ 200 سے پلس پیشنٹ جو ہمارے الحمد للہ ابھی تک چل رہے ہیں اس سے اوپر اور ابھی تک 6 بجے تک ٹائم ہے ان شاء اللہ امید ہے کہ یہ اس سے آگے چلے گا ابو سینم کے حوالے سے بات کرنی ہے آپ نے جی ابو سینم کے حوالے سے ان کے ساتھ یار سنجا تو منگاؤ ہے سکھ سر نزدیک کو یہ کہڑا ٹھیک کپڑا ہے جی دو ٹیكے دے اور میں یہ سب کہوں یہ بہت بڑی انسانیت کی ضرورت ہے اور اس میں میں سب کہوں باقی لوگوں کو بھی انسانی بڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا رات میں ترقی اور Thank you.
मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन प्रेस क्लब डिस्का शबाज़ अली मोहसिन साहब हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि इस मेडिकल कैंप के हवाले से वो हमसे ई डिस्का से कोई बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। आज के कैंप के हवाले से आप अपना। जी मैंने देखा है ये जो फ्री कैंप अंसारी इत्तेहाद वेलफेयर पाकिस्तान ने यहाँ पे लगाया, ये बहुत अच्छा इकदाम है और लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसे शहर में फ्री कैंप लगने चाहिए ताकि लोगों को और गरीब आवाम को इसका बेनिफिट मिल सके। मैंने यहाँ पे ये भी देखा है कि ये दवाइयाँ भी फ्री दे रहे हैं और बड़े अच्छे डॉक्टर यहाँ पे उन्होंने बिठाए जो लोगों के लिए उनके जो है चेकअप कर रहे हैं और उनको दवाइयाँ दे रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, शहर में ऐसे फ्री कैंप लगने चाहिए। जी राना साहब आप बताएं, आप पता चला हर माह इधर लगवाते हैं। शफाक साहब आप बताएं, आप हर महीने लगाते हैं, आप क्या अपनी तंजीम के बारे में कुछ बताएं। जी हम लोग अंसारी इत्तेहाद वेलफेयर के प्लेटफॉर्म से हर माह हर जगह तकरीबन लगा रहे हैं। डस्का शहर में 3-4 हम ये मेडिकल कैंप लगा चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमें इसकी बड़ी पजीराई मिल रही है, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इसको ये कंटिन्यू रखेंगे। बहुत शुक्रिया। गेस्ट आया सर, यह सब नॉर्मल से आए। जी सर आप अपनी तंजीम के बारे में कुछ कहना चाहें, अपना तारा पहले बता दें मुझे उसके बाद। रियाज अंसारी फ्रॉम नारोवाल और मैं सीनियर नायब सदर हूँ जमीयत अंसार नारोवाल। और ये जो हमारी अंसारी इत्तेहाद वेलफेयर पाकिस्तान है, मैं इसका एक अदना सा कारकुन हूँ। और मैं आज के इस फ्री मेडिकल कैंप में अप्रीशिएट करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ जनाब लाला एहसानुल्लाह अंसारी साहब और उसकी दूसरी तमाम जो उसके साथी हैं दोस्त हैं, कि आज का ये इंतहाई कामयाब तरीन जो है ये एक फ्री मेडिकल कैंप लगा है। और मुझे यहाँ पे आके इंतहाई खुशी हुई है और हमारी दुआ है और हमारी कोशिश है कि अल्लाह ताला हमें इस तरह के प्रोग्राम जारी और सारी रखने का हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। जी बहुत शुक्रिया। और क्या बोलना चाहिए पाने दें शुक्रिया से। जी सर अपना तारफ करा दें। मुनव्वर हुसैन अंसारी, सबका चेयरमैन बल्दिया फारुखाबाद। शेखुपुरा तो फरुखाबाद तो फरुखाबाद। तंजीम के बारे में और कैंप के बारे में कुछ बात करना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, कैंप जड़े ने सदका जारी है इन्होंने वास्ते, इन्होंने बुजुर्गों वास्ते बहुत बड़ा सदका जारी है जिहड़ा ये लगा रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हों मजीद हिम्मत देवे कि ये काम जिहड़े ना ये जारी सारी रहे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जनाब।
ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾਲਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਰੀ ਦਸਕੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਰੀ ਮੈਡ ਆਪਣਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਗਿਆ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ